हेलो, कैसे हो? आज में भी दो लेक्चर रहेंगे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला। ओके, कल किया था डिवीजन ऑफ बिजनेस क्या है, और हाँ लगभग नेक्स्ट वीक तक आपको आपका मटेरियल भी मिल जाएगा। उसके पहले एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, उसके बाद सब डिस्कस करेंगे। एस पे भी इजी टॉपिक है, पढ़ने में भी इजी है, कोशिश करेंगे आज के दिन में यूनिट वन अवर हो जाए, मींस इंटरनल का एक यूनिट अवर हो जाएगा। हमारा अवर हुआ था बिजनेस क्या है, उसके बाद देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बाद देखा ऑब्जेक्टिव, धंधा करने का पीछे हेतु क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है। उसके बाद कल देखा डिवीजन ऑफ बिजनेस क्लियर। आप देखेंगे ट्रेड क्या है, ट्रेड मींस व्यापार, सिंपल लैंग्वेज में कॉमर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। देखते हैं, ट्रेड रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमोंग और बिटवीन पीपल, माल को खरीदना या बेचना, सेवा लेना या देना, उसको बोला जाता है ट्रेड। गुजराती भाषा में आने के वाय व्यापार, व्यापार करो। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड कितने होते हैं डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला ही आता है इंटरनल ट्रेड, राष्ट्रीय व्यापार, अपनी लैंग्वेज में जो व्यापार विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो किया जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। इसको डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ौदा वाला व्यापार करता है महाराष्ट्र में, कानपुर, नागपुर, शिमला, चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, हैदराबाद, दिल्ली, यानी जो भी व्यापार होता है तुम्हारा विद इन कंट्री होता है, कंट्री के अंदर अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोला जाता है। क्यों डोमेस्टिक बोला जाता है? क्योंकि देश की सीमा रेखा के अंदर किया जाता है। अब इंटरनल ट्रेड दो टाइप के होते हैं, पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल का मतलब अपने सबको मालूम है, जत्था बनना व्यापारी। रिटेल ट्रेड का मतलब छुट्टकना व्यापारी। देखते हैं अब बुक की लैंग्वेज क्या बोलती है, अपनों तो वही लिखना, अपनी लैंग्वेज तो चलेगी नहीं कि भाई जत्था बन, क्लियर इंग्लिश में लिखना है। द होलसेल ट्रेड इंक्लूड सेल ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी टू ट्रेडर हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कंज्यूमर। द होलसेल ट्रेड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। सच रिटेलर ट्रेड डायरेक्टली सेल टू कंज्यूमर, यानी होलसेल व्यापारी, होलसेल ना व्यापारी उनको बोला जाता है जो बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का डील करते हैं। होलसेलरों को कंपनी और ग्राहक के बीच की लिंक बोला जाता है। क्योंकि कंपनी पास से होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, क्लियर ने, रिटेलर बेचेगा हम जैसों को, तो उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। दूसरा आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल का मतलब छुट्टकना व्यापारी, यानी जो छोटा मोटा छुट्टा छुट्टा आइटम बेचते हैं। देखते, द रिटेल ट्रेड इंक्लूड सेल ऑफ गुड इन स्मॉलर क्वांटिटी टू कंज्यूमर एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी ग्राहक की जरूरत के मुताबिक माल सप्लाई करना, उसको रिटेल ट्रेड बोला जाता है। तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ इंटरनल ट्रेड। अब हम जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब जिसको इंटरनल ट्रेड याद हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड में कोई भी इंसान अपने हिसाब से गप्पे मार सकता है।
तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब फॉरेन ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी जो ट्रेड आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी अपने देश की सीमा रेखा के बाहर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात का प्रोड्यूसर लंदन में बेच रहा है, स्विट्जरलैंड से व्यापार कर रहा है, अमेरिका से व्यापार कर रहा है, श्रीलंका से व्यापार कर रहा है, भूटान नॉट भूटान, चाइना से व्यापार कर रहा है, रशिया से व्यापार कर रहा है, यानी अपने देश की सीमा के बाहर जो होता है एक देश दूसरे देश के साथ, तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। इन सच ट्रेड, हाँ, मगर सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि जब तुम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो ने, तो वहां पे तुम तुम्हारी राष्ट्र की करेंसी यानी रुपया इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे आपको डील करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। क्लियर? जनरली अमेरिकन डॉलर इज, जनरली जनरली शब्दों पे ध्यान देना, अमेरिकन डॉलर इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए मीन ऑफ एक्सचेंज, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यूरो और डॉलर ये सी चीज, अमेरिकन डॉलर याद रखना, अमेरिकन नॉट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो एक्सचेंज में चलते हैं। क्लियर? अब इंटरनेशनल जो व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, वो होलसेलर जो होगा, छुट्टक का तो होगा नहीं कि रुपये वाली चॉकलेट अमेरिका से मंगानी है। क्लियर? अब देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तीन चीज आती है, नंबर वन इंपोर्ट यानी आयात, नंबर टू एक्सपोर्ट यानी निकाल, ये दो चीज आप लोगों ने पढ़ी थी। तीसरा आता है सेंटर पोर्ट ट्रेड, अब ये एक नवा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहला आता है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या करना, आयात करना, यानी बाहर के देश से अपने देश में माल या सर्विस लेना। देखो लिखा हुआ है, इट इंक्लूड बाइंग और प्रोकरिंग द फॉरेन गुड्स फॉर द होम यूज और डोमेस्टिक, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने देश के इस्तेमाल के लिए बाहर से माल को मंगवाना। दूसरा आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब निकाल, अपने वहां से फॉरेन में माल बेचना। इट इंक्लूड सेलिंग द डोमेस्टिक गुड फॉर फॉरेन यूज। क्लियर? यानी वहां के लोग हमारे माल की डिमांड करेंगे। क्लियर? और तीसरा आता है सेंटर पोर्ट ट्रेड, या स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं सुधार देता हूँ। सेंटर पोर्ट ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है, समझना। मैंने अमेरिका से माल मंगवाया और श्रीलंका में माल बेचा, समझ में आया? एक देश से आयात करना, अपने वहां से वही दूसरे वही माल वही प्रोडक्ट दूसरे देश में निकाल करना। इंपोर्ट करो एक देश से, वही माल दूसरे देश में एक्सपोर्ट करो अपना नफा निकाल के, उसको बोलते हैं सेंटर पोर्ट। देखो लिखा हुआ है, इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ गुड बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर एंड फॉरेन कंज्यूमर। इट मींस अ कंट्री इंपोर्ट अ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, यानी बाहर वालों से ही माल मंगाएंगे, इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट द सेम कमोडिटी टू सम अदर कंट्री, यानी अपने ने एक देश से माल मंगाया, दूसरे देश में माल को बेच दिया, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। ये तुम्हारा टॉपिक कवर हुआ, ट्रेड क्या है। क्लियर? कल हमने देखा था बिजनेस के डिवीजन क्या है। अब मैं इसके साथ और एक छोटा टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट का ही लेक्चर हुआ है, जो शॉर्ट नोट में एग्जाम में पूछाने के चांसेस रहते हैं, बहुत कम पूछाने के चांसेस रहते हैं। इसको बोला जाता है बिजनेस सिस्टम। समझ में आया क्या बोला जाता है? बिजनेस सिस्टम। क्लियर? बिजनेस सिस्टम शॉर्ट नोट क्या है। तो सिस्टम का मतलब क्या, बिजनेस सिस्टम पढ़ने के पहले आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। अब इतना सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, 4-5 मार्क का सवाल है तो वही हिसाब से लिखना है। तो पहले अपने सिस्टम पढ़ते हैं। द सिस्टम मीन्स सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट। व्हेन वी स्टडी द सिस्टम द स्टडी द पार्ट्स, वी शुड नो हाउ दिस पार्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर
एंड वी शुड नो हाउ दिस कंट्रीब्यूट टू द होल सिस्टम. देयरफॉर ईच पार्ट इज अ सिस्टम कॉल्ड सब सिस्टम. समझो, अब मैं समझाता हूँ ये मीनिंग क्या बोला. सिस्टम क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये इकोनॉमिक्स की बुक पड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स की बुक पड़ी हुई है. तो ये पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं क्या स्टडी करूंगा कि भाई ये चैप्टर क्या है. तो ये सिस्टम हो गई चैप्टर के नाम. अब चैप्टर के अंदर सब अलग अलग पॉइंट आते हैं कि भाई ये चैप्टर में आर्थिक व्यवहार, बिना आर्थिक व्यवहार, धंधा क्या है, प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, ये सब आता है. चैप्टर नंबर टू में 10 पॉइंट आते हैं. तो सिस्टम के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसको सब सिस्टम बोला जाता है. क्लियर? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब देखते बिजनेस एज ए सिस्टम. बिजनेस एज ए सिस्टम क्या है देखते अपने. बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज फंक्शनिंग इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. पोलापन अपना वातावरण से जुड़े हुए, सामाजिक वातावरण, पॉलिटिकल वातावरण, इकोनॉमिकल वातावरण और अपना आसपास के, और अपना बिजनेस हर प्रकार के वातावरण के हिसाब से चलता है. क्लियर? तो द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस सिस्टम इंक्लूड टू सब सिस्टम, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बिजनेस दो ही चीजों पर, इंडस्ट्री पढ़ चुके, कॉमर्स पढ़ चुके. द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंक्लूड वेरियस बिजनेस विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड. एंड यानी वही है कि भाई इंडस्ट्री और बिजनेस अलग अलग, लोगों ने बताया था कि कोई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई जेनेटिक में है. सब लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस करते हैं. तो वही बताया कि अलग अलग बिजनेस वाले अलग अलग प्रकार का माल बनाएंगे, अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग प्रकार के गुड्स प्रोवाइड करेंगे. मगर हर सिस्टम, हर बिजनेस को उसका एक सिस्टम होगा. क्लियर? हर बिजनेस का एक सिस्टम होगा. कैसे सिस्टम होगा? कि भाई प्रोडक्शन कौन करेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कहाँ से लाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, कौन कलेक्शन करने जाएगा, कौन से लोग हमारे वहां काम करेंगे, ये सब चीजों को बोला जाता है सिस्टम. हर बिजनेस की सिस्टम अलग अलग होती है. देखो लिखा हुआ है, ईच फॉर्म इटसेल्फ इज अ सिस्टम लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल. देखो पर्सनल नहीं है, पर्सोनल. पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैं लिख देता हूं पर्सोनल का मीनिंग क्या होता है. एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी जो लोग आपके वहां पे काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है पर्सोनल. समझ में आया? देयरफॉर दिस सब सिस्टम आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर. यानी ये क्या बनता अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर, यानी मालकू बनते. बट द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट. मगर अपना जो बिजनेस का मालकू है वो अपने वातावरण के साथ जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है. कैसे एनवायरमेंट के साथ, तो मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूं. मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर जिसकी गवर्नमेंट मुझे इजाजत ना दे, जिसका मतलब मेरे को पॉलिटिकल कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा. मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके सोसाइटी के लोग विरोध करेंगे, जिसको बोलते हैं सोशल कल्चर, सोसाइटी को फॉलो करना पड़ेगा. मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे वर्कर मेरे को छोड़ के चले जाए, ह्यूमन रिसोर्स कल्चर. मेरे को धंधा करना है तो प्रॉफिट भी करना है, इकोनॉमिक कल्चर. समझ में आया? तो अपना बिजनेस अलग अलग कल्चर, तो अपनों को जो वातावरण बोल रहा है, जो एनवायरमेंट बोल रहा है, उसके हिसाब से ही काम लेना है. देयरफॉर टू स्टडी द मॉडर्न बिजनेस इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर. यानी दो चीजों को स्टडी करना जरूरी है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर मालकू कैसा है और तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है जिससे तुम्हारे बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है. तो इसको बोला जाता है बिजनेस सिस्टम. क्लियर? समझ में आया दो टॉपिक? अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो. और भाई ग्रुप में चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.